हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडियन रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो ग्रुप डी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप डी में से ही अक्सर ग्रुप सी में जाया जाता है। जो बड़ी पोस्टें होती हैं जैसे ड्राइवर हो गया या गार्ड हो गया, टीटी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, तो ग्रुप डी में से भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है ग्रुप डी के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो ग्रुप डी के लिए वो है मिनिमम 10th, और अगर आपके पास ITI है तो आप ITI फील्ड के जरिए भी टेक्निकल फील्ड में भी उसमें जा सकते हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम 10th है। बात करें ग्रुप डी के लिए एज की, तो एज जो जनरल कैटेगरी की रहती है वो 18 से 33 साल, और जो BC है और OBC है उसको 33 साल के बाद 3 साल की छूट, और SC और ST को 5 साल की छूट, और एक्स सर्विस मैन को लगभग 10 साल की छूट रहती है। ग्रुप डी की बात करें सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो इसके लगभग 4 प्रोसेस हैं। पहला है रिटन एग्ज़ाम है, फिर है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और लास्ट में होता है आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये थी वीडियो की, आप इंडियन रेलवे के जो ग्रुप डी में कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रह सकती है, क्या एज है, या सिलेक्शन के प्रोसेस हैं। तो इंडियन रेलवे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।